तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का एपिसोड 32 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग का फाइट अभी भी कंटिन्यू हो रहा था, जहाँ पर निफिंग उसके एनर्जी को देख कर बोलता है कि मार्शल स्टेज का सॉर्ड एनर्जी का एसेंस तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तुम्हारे पास यहाँ पर एक सॉल का एक हल्का सा अंश मौजूद है, अनफॉर्चुनेटली मुझे मार नहीं सकता है, मैं उससे आराम से हैंडल कर सकता हूँ। ये बात सुनकर मास्टर हाउटन बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जो कब तक मेरे सामने टिक पाते हो, और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है। यह देखकर निफिंग उस पर एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, लेकिन मास्टर हाउटन उसके अटैक से बच जाता है। तभी वो जो निफिंग पर अटैक करने के लिए आगे आ गया था, और वो जो है होली ओरा टेक्निक को परफॉर्म करता है और उसको तब एक एनर्जी बीम फेंक देता है। तो यह देखकर निफिंग वहाँ पर पर्पल सन रेजिडेंस टेक्निक का यूज़ करके एक स्लैश अटैक करता है। यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा है निफिंग को पर्पल सन रेजिडेंस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए, वो एक एनर्जी बीम से अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर वो एक स्लैश अटैक किया था। ये वाकई में गौर करने की बात थी। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा जोर से एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ पर जितने भी मेम्बर थे हाफ फैमिली के और नी फैमिली के और बाकी सब मेम्बर सब थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों एक दूसरे पर शॉर्ट से अटैक कर रहे थे, जहाँ पर उन लोग दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। तो तभी हम देखते हैं कि जो मास्टर हाउटियन था वो पीछे हो जाता है, और फिर तभी वो जो वहाँ पर थ्री वाइगर ऑफ होली शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करता है, और वहाँ पर हाउटियन शॉर्ट को अपीयर कर लेता है, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ रहा था, और उसकी मदद से निफिंग पर अटैक कर देता है। तो निफिंग उस अटैक को आता देख वहाँ पर ऑर्चिड ओशन टेक्निक को परफॉर्म करता है और स्लैश अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं कि जो स्लैश अटैक किया गया था निफिंग के द्वारा, वो जो उस हाउटियन शॉट को रोक देता है एक जगह पर, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का बहुत ज़्यादा पावरफुल बीम जनरेट हो रहा था। तो उसके कारण उन लोग दोनों नीचे आ जाता है, थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तो यह देखकर वो मास्टर हाफ्टन गुस्सा हो जाता है, निफिंग पर बोलता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही तंग किया है, मुझे लगा ना था कि तुम मुझे इस चीज़ को यूज़ करने पर मजबूर करोगे। और फिर तभी वो जो वहाँ पर हाउटियन शॉट 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हाउटियन शॉट अपीयर होने लगते हैं, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तो यह देखकर हम देखते हैं कि निफिंग भी वहाँ पर अपना प्योर यंग एनिहिलेशन टेक्निक को परफॉर्म करता है, और अपना पूरा प्योर यंग बॉडी का पावर अनलिस्ट करने लगता है, पूरा पावर यूज करने को तैयार हो जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हाफ्टियन शॉट थे वो सब एक शॉट में मर्ज हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। और फिर वो मास्टर हाफ्टियन उस शॉट की मदद से निफिंग पर अटैक कर देता है, फिर निफिंग भी उस शॉट को अपने नॉर्मल शॉट से रोकने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि वह बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एनर्जी वेव जनरेट होने लगता है। तो हम देखते हैं कि निफिंग थोड़ा सा पीछे हो गया था, और वो थोड़ा सा घायल भी दिखाई पड़ रहा था। तो यह देखकर रूबिंग और बाकी सब मेंबर नी फैमिली के हैरान हो रहे थे और थोड़ा सा चिंता कर रहे थे निफिंग के बारे में। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर हाउटन बोलता है निफिंग को कि तुम्हें मरना पड़ेगा, और फिर वो जो वहाँ पर निफिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो देखकर निफिंग भी वहाँ पर अपना प्योर यंग बॉडी का पावर यूज़ करने लगता है। तो देखकर रूबिंग का जो उतरा हुआ चेहरा था वो खुशी में बदल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर हाउटन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, उसको लग रहा था कि वो निफिंग को मार देगा अपना अटैक से। लेकिन तभी निफिंग वहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक प्योर यंग इन्फर्नो टेक्निक परफॉर्म करता है, और उसकी मदद से उस बंदे पर अटैक कर देता है। इस चीज़ को देख कर वहाँ पर जितने भी हाफ फैमिली के मेम्बर थे वो सब हैरान हो गए थे। तभी वो इन्फर्नो टेक्निक जो है मास्टर हाउटन को बहुत ज़्यादा पीछे कर देता है और उनके बॉडी में आग लगा देता है। यह देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि निफिंग वहाँ पर जो है अपना फायर फोनिक्स अपीयर कर लेता है। तो उसका फायर फोनिक्स का पावर देखकर वो मास्टर हाउटन वहाँ पर जितने भी हाफ फैमिली के मेम्बर थे उन सबको बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, और उन लोग वहाँ से भागने लगता है। यह देखकर तो उन लोग को भागता देख निफिंग बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो, और फिर वो जो अपना फायर फोनिक्स से उन लोग पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फायर फोनिक्स सबसे पहले मास्टर हाउटियन को वहाँ पर ख़त्म कर देता है।
तो बाकी सब हाफ फैमिली के मेंबर वहां से भागने लगते हैं। तो नेफेंग भी उन लोग पर फिर से अपने फायर फोनिक्स से अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि वो फायर फोनिक्स एक एक करके वहां पर जितने भी हाफ फैमिली के मेंबर आए थे उससे पंगा लेने के लिए, वो उन सबको ख़त्म कर देते हैं, खलास कर देता है। तो हम देखते हैं कि वो फायर फोनिक्स उन सबको मारने के बाद वापस से निफेंग के पास आ जाता है। तो निफेंग उसको वापस से अपने अंडर रख लेता है। तभी वहाँ पर रूबिंग आ जाती है और उसको बोलती है कि निफेंग क्या तुम ठीक हो। तो निफेंग बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कि हम लोग को सबसे पहले रूम के अंदर जाना चाहिए और बाकी सबसे बात करना चाहिए। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि निफेंग वहाँ पर एक कप ऑफ वाइन को लेकर वहाँ पर आया हुआ था सबके सामने। बोलता है कि मैं आप सबको यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सब लोग खड़ा हो जाता है और वाइन को पीते हुए बोलता है कि देखिए कि धन्यवाद तो आपका कि जो आपने जो है पास्ट के जितने भी कुछ हुए थे उन सबको भुला के हम लोग को यहाँ पर आने का इन्विटेशन दिया। और बोलता है कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप हमें बता सकते हैं, हम करने को तैयार हैं। तो निफेंग बोलता है कि देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को फोर्स किया गया था आप लोग को वो सब हरकत करने के लिए। तो मैं ये सब चीज़ के बारे में अब कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ और आज से आप लोग सब हमारे नई फैमिली के फ्रेंड बन चुके हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी मेंबर थे वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और उन लोग जो खुशी में आके वहाँ पर वाइन पी रहा था। तभी हम देखते हैं कि निफेंग उन लोग को बोलता है कि आज के बाद कभी भी पास्ट में जो कुछ हुआ उसको मेंशन ना कीजिएगा। और उन लोग से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मास्टर हाउटेन का अभी फ़िलहाल एज कितना होगा, क्या यहाँ पर किसी को पता है। तो जियांग लैन का मार्शल मास्टर बोलता है कि हाँ शायद से उसका एज जो है अभी 2800 साल का होगा। तो ये बात सुनकर निफेंग हैरान हो रहा था और अपने मन में सोचता है कि ये वर्ल्ड है वो जो 9 हेवंस में इसका कल्टीवेशन लेवल डिवाइडेड है और यहाँ पर नॉर्मल बंदे का लाइफ जो है 3000 साल तक का होता है। लेकिन जैसा कि अभी मास्टर हाउटन जीवित है तो इसका मतलब यह है कि उनका जो लाइफ स्पेन होगा, उनका जो अभी कल्टीवेशन लेवल होगा, वो जो है अभी 8 हेवंस के लगभग इक्वल होगा। तभी वो जो है उन लोग से पूछता है कि आप मुझे यह बताइए कि आप लोग को कितना परसेंटेज चांस लगता है कि जो मास्टर हाउटन है वो जो इस 9 डोमेंस वर्ल्ड में वापस आएंगे। ते बात सुनकर एक मास्टर बोलता है कि देखो कि जो हाउटन मास्टर है वो जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर बहुत ज़्यादा सी के क्रॉस करने के बाद एक ट्रू मेन लैंड है वहाँ रहते हैं और वहाँ का जो कल्टिवेशन इन्वायरमेंट है और वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है यहाँ की तुलना से। तो अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो बीच रास्ते में उनको जो है बहुत ज़्यादा बड़ा ओशियन को ट्रैवल करना पड़ेगा। और मैं बता दूँ कि उस ओशियन में बहुत ज़्यादा टोर्नेडो और सुनामी आते रहता है, तो उसके कारण कि कोई भी बंदा उसको जो है उसके ऊपर उड़ के पार नहीं कर सकता है। तो इसका बस एक ही उपाय बचता है कि वो जो वहाँ पर से बोट का यूज़ करके यहाँ पर आए। तो इसका मतलब यह है कि उसको जो लगभग 3 साल लग जाएगा यहाँ पर आने के लिए। टेवर सुनकर निफेंग बोलता है कि जैसा कि उसका हरकत है वो जरूर से जरूर यहाँ पर आएगा, तो हम लोग को तैयार हो जाना चाहिए। तो तभी एक मास्टर बोलता है कि मुझे लगता ना है कि वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो है 1 हेवंस या फिर 2 हेवंस के लेवल वाले कल्टीवेटर को यहाँ भेजेगा तुमसे फाइट करने के लिए। देवासुन का निफिंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द अपना कल्टीवेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और एडवांस में इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि निफेंग और रूबिंग एक कमरे में थे जहाँ पर निफेंग उसको गले लगाया हुआ था और बोल रहा था कि मैं जो इस समय के लिए 100 साल से वेट किया था और फाइनली यह समय आ गया। तो रूबिंग उस पर हैरान होते हुए बोलती है कि क्या 100 साल, लेकिन हम लोग तो बस 10 साल से ही एक दूसरे को जानते हैं। तो तभी निफेंग उसको बताता है कि मुझे एक बार ड्रीम आया था मेरे पास्ट लाइफ का और उस वर्ल्ड में भी मैं तुम से, मेरे मास्टर से और बाकी सब से भी मेरा मुलाकात हुआ था, लेकिन अफसोस अंतिम में जाते जाते वो सब मारे गए और अंतिम में मैं भी मारा गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और वो बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। यह देखकर जो रूबिंग है वो भी उदास होती हुई उसके पास जाती है और बोलती है कि आखिर में हम लोग कैसे मिले थे। टेवासुन का निफिंग उसको बताता है वो सारा कहानी जो कि उसके पास्ट लाइफ में हुआ था।
निफिंग उसको सारा कहानी बताने लगता है कि कैसे वो उसके उससे मिला था, कैसे जो उसका सारा जिंदगी बर्बाद हो गया था, कैसे लैंड यून उसके जिंदगी में आई और उन दोनों का शादी हो गया। और उसके बाद बहुत सारे क्लैन मेंबर मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं जूटियन पीक पर, जिसके कारण वो मारा जाता है। तो ये सब कहानी का जो सारांश था वो जो है बस रूबिन को यह समझ में आता है कि जो नीफिंग का शादी था वो लैंड यून से हो गया था, उसको जो कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी सब चीज़ से। ऑब्वियस बात है, वाइफ है तो इतना तो चलता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।